गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। तो आज सैर की बहुत बहुत मार के आज है सैर। तो सैर पूजेंगे आज हम, और साथ में आज बनेंगे कुछ स्पेशल डिशेस। सबसे पहले बन रही हमारी चाय, तो पहले चाय पियेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। और ये है उड़द की दाल भिगोई हुई, अब इसको पीस के इसके बनाएंगे पकौड़े। तो चलिए इसको पीसते हैं। यह है कड़ाह की दाल, अब इसको भी हम पीस के इसके भी बनाएंगे पकोड़े। उड़द की दाल पीस दी है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, जीरा डालेंगे साबुत, और इसमें डालेंगे हम नमक। ये डाला हमने इसमें नमक, और ये एक चम्मच हम डालेंगे, एक चम्मच गरम मसाले का, और एक चम्मच हम डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। ठीक है, इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स। और फिर इसको हम तवे में पका लेंगे। तवे में इस तरह से हम इनको अच्छे से पकाएंगे। और अब इस तेल में हम फ्राई करेंगे रोटी को। तली हुई रोटी होती है, इसको डीप फ्राई किया जाता है। तो अब हम कुछ रोटियां फ्राई करेंगे। और साथ में यहाँ पे हम कुछ ये पकोड़े बनाएंगे। ये मीठे होते हैं, इनको गुलगुले बोला जाता है। काफ़ी टेस्टी डिश बनती है, मीठी होती है ये।
कुछ यहाँ पे मैंने सब्जियाँ बना ली हैं साथ में, और यहाँ पे वो कलांग की दाल के पकौड़ों को भी मैंने बना लिया है, तवे में बना लिया है। कुछ उड़द के दाल के पकोड़े बनाए और कुछ हमने कलांग की दाल के पकोड़े बनाए हुए हैं। तो हमारी यहाँ पे सारी आइटम्स बन चुकी हैं। अब हम सबसे पहले भोग लगाएंगे अपने देवताओं को, और साथ में हम सैर की पूजा करेंगे। ये बना है हलवा, और ये बना है मटर पनीर, ये बन गए हैं उड़द की दाल के पकोड़े। दो तरह के हैं ये पकोड़े, एक ऐसे और इस टाइप के। और यहाँ पे हमारे पास भिंडी, और साथ में हमने बनाया यहाँ पे ये तली हुई रोटी, डीप फ्राई की हुई रोटी होती है। तो अभी हम पूर्वजों को अपने भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अपने पूर्वजों के लिए भोग जो तैयार कर दिया है, अब उनके लिए हम भोग लगाएंगे।
और अगली सुबह फिर हम अपने खेतों से लाए कुछ हरी सब्जियां। तो इसमें हमारी तोरी है, खीरा है, भिंडी है, साथ में हरी मिर्च है और ये मक्की है। ये सारे अपने खेत में लगे हुए हैं। यहाँ पे कुछ खीरे देखे पक चुके हैं, वो अगले साल हमारा बीज तैयार हो जाएगा उससे। और साथ में यहाँ पे है बीन्स भी हैं। तो ये सारी अपने खेत की सब्जी है। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगले ब्लॉग में हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे।